परवेज इलाही करप्शन के दो मुकदमात में बरी, जाली भर्तियों के मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की थी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हसन रजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन बताइएगा, आप क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, एंटी करप्शन पंजाब तर्जुमान के मुताबिक चौधरी परवेज भाई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने चौधरी परवेज भाई को तीसरी बार गिरफ्तार किया है। तर्जुमान का कहना है कि चौधरी परवेज भाई को पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया है। चौधरी परवेज भाई ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की और पंजाब असेंबली में फिर शुदा उम्मीदवारों को रिकॉर्ड में रद्दबदल करके भर्तियां की गई है। तर्जुमान का कहना है कि भर्ती के अमल में घपलों के लिए जाली टेस्टिंग सर्विस की खिदमात की गई और एंटी करप्शन इंक्वायरी में पंजाब असेंबली में जाली भर्तियां साबित हुई। भर्तियों में करप्शन के वाजे सबूत मौजूद है। एंटी करप्शन का कहना है कि लाहौर में पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 जाली भर्तियों के केस में एक दूसरी भी बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई है, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान का कहना है कि एंटी करप्शन ने जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया है और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को जाली भर्तियां साबित होने पर गिरफ्तार किया है। राय मुमताज ने ठीक है, हसन बहुत शुक्रिया आपका।